बढ़ते आगे, देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान जारी है। अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी अपना कीमती वोट डाला। इस दौरान उनसे बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजा भैया अभी वोट डाल के आए हैं। सर, जो चल रहा था राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अंतरात्मा की आवाज कही जा रही थी, बिल्कुल उसी पे मतदान किया है, अंतरात्मा की आवाज पे। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक निकले, उन्होंने ये बात कही, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि अगर देश को जोड़ना है तो उन्हें चुनाव वोट करना चाहिए। देश को जोड़ना ही नहीं है बल्कि देश को सुदृढ़ बनाना है और अधिक मजबूत बनाना है, और राष्ट्र विरोधी स्वर जो उठ रहे हैं उनका सर कुचलना है। आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे राष्ट्र विरोधी स्वर विभिन्न प्रांतों से उठ रहे हैं, तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति होना देश हित में और भी आवश्यक। 370 को लेकर बयान दिया था यशवंत सिन्हा जी ने, हम तो शुरू से ही 370 हटाए जाने के पक्ष में थे, आज से नहीं, हमेशा से। तो आपको लगता है कि और जो विपक्षी दल है उन्होंने भी अंतरात्मा की आवाज सुनी? बिल्कुल, बहुत से लोग हैं। आप देखिएगा जितने भाजपा और सहयोगी दलों के वोट हैं उनसे बहुत ज्यादा मत मिल रहे हैं। एक सर महत्वपूर्ण सवाल है कि शिवपाल यादव ने भी अभी थोड़ी देर पहले ही वोट डाल के निकले, उन्होंने भी बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है विपक्षी खेमे में भी तमाम इस तरह? देखिए, उन्होंने बात सही उठाई है। आदरणीय सिन्हा जी ने नेताजी के विषय में जो कहा, ना उन्होंने उस बयान का खंडन किया ना उसके लिए माफी मांगी। ये रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने अंतर आत्मा की आवाज सुनी है और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उन्होंने वोट किया है। कैमरामैन जुबैर के साथ राजवीर।